नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि ब्रह्मांड की कोई भी ताकत इसे रोक नहीं सकता। जी हां दोस्तों, कल से आप सभी के जीवन काल में इस साल की सबसे बड़ी घटना होने वाली है। जी हां दोस्तों, सच्चाई सुनकर आप अपनी आंखों से आंसू रोक नहीं पाओगे। इतनी बड़ी खुशखबरी आप सभी को कल से प्राप्त होने वाला है। जी हां दोस्तों, कल से अब आप सभी की जिंदगी में एक नई उड़ान लगने वाली है, जिसे आप सभी का जीवन 100% बदल जाएगा। अपने सपने में नहीं सोचा होगा कि अचानक आप सभी की जिंदगी में इतनी बड़ी घटना होगी। लेकिन दोस्तों, वह कहते हैं ना कि भगवान जब देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते ही, और अब आप सभी के कम होने तूफान खड़ा कर दिया है। तूफान की तरह अब आप सभी का जिंदगी बदलने वाला है। आने वाले 24 घंटे के अंदर आप देखेंगे कि भगवान का दिया सब कुछ आप सभी के पास होगा, जिस चीज की आप कामना करते हैं, और सब कुछ आपको प्राप्त होने वाला है। इसलिए आज के इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको हर एक बात बताने वाले हैं जिन्हें आपको कल से अपने जीवन काल में ध्यान में रखना है, और आप देखेंगे कि आप सभी का जीवन का एक नया सवेरा शुरू हो जाएगा। जी हां दोस्तों, कुल मिलाकर हम आपसे यह कहना चाहेंगे कि जो सच हम आपको बताने जा रहे हैं वह आपकी उम्मीद से भी कहीं ज्यादा अद्भुत और आश्चर्यजनक होने जा रहा है। और जो बातें हम आपको बताने वाले हैं, बातें आपकी राशि के ग्रह नक्षत्रों का पूर्ण रूप से अध्ययन करने के बाद हम आपको बता रहे हैं, तो जो भी बातें हम आपको बताएंगे पूर्ण रूप से सत्य होंगे, पत्थर की लकीर होंगे। ये दोस्तों तो अपने जीवन के सबसे आश्चर्यजनक और अद्भुत सच्चाई से सामना करने के लिए तैयार हो जाइए। बस अर्थ केवल इतनी सी है कि आपको वीडियो पूरा देखना होगा, और अकेले में एकांत में बैठकर देखना होगा, पूरे ध्यान के साथ देखना होगा। देखा दोस्तों, तभी आपको हमारे द्वारा बताई गई सारी बातें अच्छी तरह से समझ में आएगी। तो चलिए आज किस वीडियो प्रारंभ करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कॉमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ है जय मां भद्रकाली लिखना ना भूले। माता का सीधा प्रेम और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, आपका जीवन सुंदर और सरल बन जाएगा। दोस्त, हम आपको बता दें कि यह जो समय अभी आपके जीवन काल में चल रहा है, ग्रहों की कुछ ऐसी चाल है, या यूं कहें कि आपके जीवन का कुछ ऐसा उतार चढ़ाव भरा समय है कि आपके मन में थोड़ी बेचैनी सी बनी रहती है। किसी बात को लेकर आपके मन में कुछ ना कुछ ख्याल चलते रहते हैं। कह सकते हैं कि आपके मन में कुछ ना कुछ चिंता है, घर करके बैठी हुई हैं। हालांकि अभी आपके जीवन में कुछ बुरा हो नहीं रहा है, और ना ही किसी बड़े और पूरे समय की आपको भविष्य में उम्मीद है। फिर भी मन में चिंताएं बनी रहती हैं, बेचैनी सी बनी रहती है। आप खुलकर अपने जीवन का आनंद नहीं ले पा रहे हैं, और अपने मन की जो बातें हैं उन्हें भी आप किसी को पता नहीं पाते हैं। और यदि आप हिम्मत करके किसी को कुछ बताते भी हैं, जो लोग आपकी बातें समझ नहीं पाते हैं, उल्टे सीधे आपकी बातों के मतलब निकाल कर फिर आपसे तमाम तरह की फुल जरूर बातें करते हैं, जिससे आपका मन और खराब हो जाता है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि आने वाले 3 दिनों में आपके जीवन काल में एक ऐसी ग्रह दशा बनने जा रही है, आपकी चिंताओं को पूर्ण रूप से समाप्त कर देगी और आपको एक विशेष लाभ दिलवाने वाली है। बस इसके लिए आपको करना यह है कि उस ग्रह दशा को अच्छी तरह से समझना है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। फिर कुछ आपको उपाय भी करने होंगे। जिन दोस्तों के जीवन में कुछ ना कुछ तो बात है ही आपके, जिस वजह से आपकी जीवन में जो असंतुलन बना हुआ है, आपकी मानसिक अस्थिरता बनी हुई है, आपके जीवन में जो रुपए पैसे को लेकर तनाव की स्थिति बनी हुई है, उसका कुछ ना कुछ तो कारण है, कोई ना कोई तो बाधाएं हैं, उन बाधाओं को गाना बहुत आवश्यक है। अन्यथा किसी भी देवी देवता की कृपा या फिर किसी भी प्रकार की ग्रह दशा आपके जीवन में कोई भी परिवर्तन नहीं लेकर आ पाएगी। ये दोस्तों, आप यकीन मानिए कि हम जो भी बातें आपको बता रहे हैं वह बहुत ही खोजबीन के बाद, बहुत गहरे अध्ययनों के बाद आपके सामने लेकर आते हैं। इस जानकारी के माध्यम से आप अपने जीवन को पूर्ण रूप से बदलने की क्षमता रखते हैं। बस करना आपको इतना है कि चीजों को बस अच्छी तरह से समझ लेना है और उनका सही संतुलन बनाने की कोशिश करना है। दोस्तों, उपाय असल में क्या है? जब हम भोपाल करते हैं तो असल में
हम अपने जीवन की ऊर्जा का सही संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं। बाकी सारा काम तो हमारी कर्म शक्ति कर देती है, यानी कि जो हम कर्म करते हैं, मेहनत करती हैं, प्रयास करते हैं, उससे प्राप्त होने वाले परिणाम बाकी सारा काम कर देते हैं। बस हमें करना इतना है कि अपने आसपास की ओर जाओ का संतुलन सही बनाना है। किसी न किसी वजह से यह संतुलन बिगड़ चुका है, नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर चुकी है। उस नकारात्मक ऊर्जा को अपने आप से दूर करना है, बाकी फिर आपकी हर एक पूजा पाठ का आपको पूरा फल मिलेगा। जरिए कृपा आपके जीवन में आ जाएगी और आपकी मेहनत का आपको संपूर्ण फल प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। ये दोस्तों बस एक बात आपको याद रखनी है कि जीवन में कोई भी बदलाव रातों रात नहीं आते हैं। थोड़ा सा आपको गंभीरता से और धैर्य के साथ काम लेना होगा और कुछ उपाय जो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे उन्हें अपने जीवन में शामिल करना होगा। अब हम आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं और रोज आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए एक से बढ़कर एक जानकारी से भरपूर वीडियो लेकर आते रहते हैं। बस आपसे इतना चाहते हैं कि आप हमारे वीडियो को पूरा दिखा करें और जानकारी को पूरी तरह से समझने की कोशिश किया करें। अब एक बात जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है और आज का मुख्य विषय है, वही यह है दोस्तों कि आने वाले 24 घंटों में आपके जीवन में एक ऐसी ग्रह दशा बनने जा रही है जो कि बहुत चमत्कारी परिणाम आपके जीवन में ला सकती है। बस जरूरत है तो बाधाओं को मिटाने की। हम आपको बता दें कि आने वाले 3 दिन आपके जीवन में बहुत अच्छे दिन होने जा रहे हैं। बहुत अच्छी अच्छी घटनाएं आपके जीवन में होने वाली हैं और इन घटनाओं के संकेत आपको आज से ही, जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आज से ही महसूस होने शुरू हो जाएंगे या दोस्त। और सबसे पहला अंतर आपको यह दिखाई देगा कि आपकी मानसिकता सकारात्मक हो जाएगी और आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी हो जाएगी। और सबसे खास बात दोस्तों कि आज आपकी रुकी हुई पेमेंट यानी कि रुपए पैसे को लेकर जो आपकी कहीं अड़चना रही थी वह समाप्त हो जाएगी और पैसा आपके हाथों में आएगा। अब आपका स्वभाव तो बहुत ही निश्चल है, आप किसी के बारे में मन में कुछ गलत भावना नहीं रखते हैं, लेकिन कोई आपका अपना है जो आपकी इस भावना का लाभ लेने की कोशिश करेगा, आपके भोले भाले स्वभाव का लाभ उठाने की कोशिश करेगा, तो थोड़ा आपको सतर्क रहना है, यानी कि आपसे कुछ मदद मांगेगा। हालांकि आपको खूब पता है कि यह इंसान अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी आप भावनाओं में बहकर उसकी मदद कर देंगे, चाहे रुपए पैसे से, वह चाहे किसी अपने संसाधन से हो, किसी प्रकार से उसकी मदद करने की कोशिश करेंगे। बाद में आपको पछताना पड़ेगा। हम आपको बता दें कि सोच समझकर ही किसी की मदद करें और ना ही करें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि यह जो ग्रह स्थिति है यह तभी बिगड़ेगी जब आप अपने जीवन में कोई गलत कदम उठाएंगे। एक और बात हम आपको बता दें कि आपकी किसी कीमती चीज के गुम होने के आसार बन रहे हैं कि तू का गोचर आपका नुकसान कराएगा। कोई कीमती चीज आपकी गुम हो सकती है, जैसे कि आपका फर्ज है, आपका मोबाइल है या आपकी किसी प्रकार की ज्वेलरी वगैरह, तो थोड़ा सा सावधान रहें, अपनी चीजों को संभाल कर रखें। दोस्तों आपके व्यापार से संबंधित बात कर ले, तू आपके व्यापार में जो छोटी छोटी बात है उत्पन्न हो रही हैं, उन बाधाओं को आप बड़ी आसानी से पार कर लेंगे, यानी कि समस्याओं के हल बड़ी आसानी से आप निकाल लेंगे, लेकिन कार्य की अधिकता की। जैसी आपको थकान अवश्य रहेगी और हल्का बुखार भी आपको महसूस हो सकता है। घर के बड़े बुजुर्ग आपसे प्रसन्न रहेंगे, आपके घर में शांति का माहौल रहेगा। बस आपको थोड़ा सा अपनी वाणी पर संयम रखने की आवश्यकता रहेगी। यदि आपने जरूरत से ज्यादा किसी से कुछ कह सुन दिया तो विवादित स्थिति उत्पन्न होनी ही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात के आपको अपनी चिड़चिड़ी स्वभाव पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। अनावश्यक किसी भी बात पर क्रोध ना करें, थोड़ा धैर्य के साथ काम ले। और यही बात हम आपको आपके कार्यस्थल के लिए भी बोलेंगे कि आपको अपने व्यवहार को थोड़ा सा लचीला बनाना होगा। कहने का मतलब यह है कि सख्त रवैया को अपनाकर आप अपना नुकसान करेंगे, थोड़ा सा आपको समझौता भी करना पड़ेगा। अब आपको बताते हैं उस महत्वपूर्ण योग के बारे में जो अगले 24 से 48 घंटों में आपके जीवन में बनेगा, आपकी राशि में बनेगा और इसका आपको बहुत अधिक लाभ प्राप्त होगा, विशेष तौर से आपकी मानसिक शांति को लेकर और दूसरा
आपकी रुपए पैसे की समस्याओं को लेकर दोनों ही तरफ से आपको बहुत अधिक राहत प्राप्त होगी। दोस्तों यकीन मानिए, हमारा प्रयास बस इतना सा रहता है कि हम आपके जीवन से जुड़ी छोटी से छोटी समस्या का निदान ज्योतिष के अनुसार पूरे विधि विधान के साथ संभव करवा सके। न केवल आपके जीवन में कोई समस्या समाप्त हो जाए बल्कि वह उन्हें दोबारा कभी लौट कर भी ना आए। तो ध्यान से सुनिए, जो योग आपके जीवन में बनने वाला है उसे हम कहते हैं गज लक्ष्मी योग। यह बहुत ही विशेष योग होता है। हम पिछले वीडियो में भी इसके बारे में आपसे चर्चा कर चुके हैं, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया होगा तो हम फिर से आपको बताने जा रहे हैं। यही योग बहुत अधिक शक्तिशाली होता है और जातक को धन लाभ बहुत अधिक करवाता है, मानसिक शांति बहुत अधिक देता है। बस आपको कुछ सावधानियां रखने की आवश्यकता है। जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन फल आपको प्राप्त नहीं हो रही है, मनचाही सफलताएं प्राप्त नहीं हो रही हैं, रुपए वैसे आपकी जेब में रुक नहीं पा रहे हैं, जैसे आते हैं वैसे ही चले जाते हैं, तमाम तरह की और भी समस्याएं, खींचतान और मानसिक पीड़ा आपके जीवन में जो चल रही हैं, उन सब का कारण कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार की बाधा है। जी हां दोस्तों, इसके उलट आपकी मानसिकता बहुत अच्छी है। आप किसी को जानबूझकर पीड़ा नहीं पहुंचाना चाहती हैं और अनजाने में भी यदि आपकी हाथों कोई गलती हो जाती है तो आप मन ही मन उसका पश्चाताप भी करते हैं। फिर भी आपके जीवन में कष्ट परेशानियां हैं तो ऐसा क्यों है, सोचने की बात है। दोस्तों ऐसा इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार की बाधा है जो आपके जीवन में सरलता को आने नहीं दे रही थी, तभी एक कृपा को आपके जीवन में आने नहीं दे रही है। ये दोस्त तो अब जब तक आप इस बाधा को नहीं काटेंगे तब तक ना तो ग्रहों की चाल का आपके जीवन पर कोई प्रभाव पड़ेगा और ना ही दैवीय कृपा भी आपका कुछ भला कर पाएगी। या दोस्तों बात कड़वी लेकिन सत्य है, चाहे आप माने या ना माने, हमने कई ऐसे जातकों को देखा है दोस्तों जो हमसे यह शिकायत करते हैं कि गुरुजी हमने जीवन भर ईश्वर की आराधना की है, मानव फ्री है, तमाम तरह के कार्य किए हैं, यानी तमाम तरह के व्रत और उपवास, पूजा पाठ, कर्म कांड आदि किए हैं, फिर भी जीवन में सरलता नहीं है, बड़ी विषमता है, बहुत कठिन जीवन है, मुश्किल बहुत बड़ी हुई है, क्या किया जाए समझ में नहीं आता है। तो दोस्त हम उनको भी यही समझाते हैं कि आपको अपने जीवन के मूल में जाना होगा, समस्या के मूल को मिटाना होगा, तभी आप अपने जीवन में सरलता लेकर आ पाएंगे। जो भी जातक हैं जिनके जीवन में इस प्रकार की समस्याएं हैं, विशेष तौर से पैसे रुपए को लेकर समस्या, दूसरा मेहनत का सही फल ना मिल पाने की समस्या, दो समस्याएं मुख्य है, इसी से सारी समस्याएं की शुरुआत होती है। एक समस्या अपने पीछे कई समस्याओं को लेकर आती है, तो मूल समस्या आए तो यही है आपके जीवन में रुपए पैसे बढ़ जाएं, जरूरत के मुताबिक आपको रुपए पैसे मिलने लगे, आपकी जरूरत है, आपके परिवार जनों की जरूरत पूरी होने लगे, आपको कामयाबी मिलने लगे, तो आपकी बहुत सारी समस्याएं अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे। तो अब आप समझिए कि यह समस्या क्यों है, इन समस्याओं का मूल क्या है। दोस्तों मूल केवल दो ही जगह पर होता है कि आपके घर के रक्षक, आपके स्वयं के रक्षक आपने शक्तिहीन कर दिए हैं। पहले आपको सही फल प्रदान करने का जिम्मा किसके पास है, वह है शनिदेव के पास। ये चीज आप समझ ले फिर बात करते हैं। आपके घर के रक्षक, आपके घर के रक्षक कौन हैं? आपके मित्र हैं, पूर्व से दूसरा आपकी कुल देवी देवता है, तभी तो उन्हें कुल देवी देवता कहा जा रहा है, क्योंकि वह आपके कुल के पालनहार है, तारणहार है। आपके साथ अन्याय तभी होगा जब कुल देवता का हाथ आपके ऊपर होगा। कुल देवी कहां था? आपके ऊपर होगा। नकारात्मक शक्तियों से आपकी रक्षा तभी होगी जब आपके मित्र पूर्वज खुश तो होंगे ही ऊर्जावान भी होंगे। शास्त्रों का यह विधान है। अब आप बेशक चाहे माने या ना माने नकार दें, सच्चाई को कोई दिक्कत नहीं है। जीवन भर कष्ट सहने होंगे, जीवन भर किराए से होंगे और अंत में आप हो घूम फिर कर वहीं जाना है कि कोई आपको बताएगा कुछ उपाय करने के लिए जिससे मित्र आपके खुश होंगे, वह जवान होंगे और जीवन से समस्याएं कटने लगेंगे। या दोस्तों हम आपकी छोटी सी घटना बताते हैं, आप ध्यान से सुनना कि एक हमारे जानने वाले हैं, कई लोग हमारे परिचित में ऐसे हैं
जो बहुत अधिक प्रयास करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं। सफलताएं किसी को मिलती किसी को नहीं मिलती हैं, तो आप छोटी सी घटना समझिए कि उनका व्यापार जो था उन्हें थोड़ा थोड़ा लाभ प्राप्त हो रहा था। टेंशन में रहते थे कि क्यों मेहनत के बाद भी सही परिणाम प्राप्त नहीं हो रहे हैं, तो उड़ जाए कैसे बदलती है और चमत्कार कैसे होते हैं। इस बात का प्रमाण है, आप ध्यान से सुनना दोस्तों, घटना बिल्कुल वास्तविक है, सच है। तो उन्हें किसी ने यह बता दिया कि आप एक अभी छोटा मोटा अपने घर में हवन कर लीजिए, ये दोस्तों किसी भी प्रकार का हवन कर लीजिए, इससे होगा यह कि आपके घर में शुद्धता आ जाएंगे। अब हवन करने के लिए उन्होंने सोचा कि कमल घट्टे लेते हैं 108 संख्या को पूरा करने के लिए, क्योंकि एक हाथ से तो आहुति देंगे तो दूसरे हाथ से कमल गट्टे से गिनती पूरी करेंगे, तो कमल गट्टे 108 उन्होंने ले लिए। यह बात ध्यान से सुनना, चमत्कार होता है। रात तो रात कोई माने या ना माने तो भी कमल गट्टे लेकर आते हैं दुकान से, और उन्होंने कमल गट्टों को शुद्धता के साथ अपने पूजा घर में स्थापित कर दिया। इसके बाद दूसरे ही दिन से उनकी बिक्री बहुत अधिक बढ़ गई। उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, लगातार उन्होंने सोचा कि शायद आज बड़ी है कल फिर से कम होगी, लेकिन दूसरे दिन भी वैसी ही, तीसरे दिन भी वैसी। 4-5 दिन गुजरने के बाद फिर उनके दिमाग में विचार आया कि आखिर ऐसा क्या हो गया, काम तो वही सब कर रही हैं, लेकिन पिपरी इतनी अच्छी कैसे हो गई, इतना अधिक कैसे होने लगा। तो विचार करते करते उनके दिमाग में यह आया कि शायद कमल घट्टे, क्योंकि यही एक अलग कार्य था जो उन्होंने किया था, बाकी तो सब जैसे कि ऐसे ही चल रहे थे। तो कमल गट्टे 108 लाकर उन्होंने बस अपनी पूजा घर में रख लिए, और देखिए माता लक्ष्मी की कृपा की, ना तो उन्होंने कोई हवन किया और ना ही कोई उपाय किया, कुछ भी नहीं किया, केवल कमल गट्टे लाकर इस विचार से कि हवन करेंगे तो इनसे गिनती पूरी करेंगे, बस इस विचार से उन्हें लाकर रख लिए और हवन किया भी नहीं, और उनकी व्यापार में बिक्री काफी अधिक बढ़ गई, आने की उम्मीद से ज्यादा बढ़ गई। दोस्तों हम यही कहेंगे कि कितनी बढ़ी या नहीं बढ़ी, लेकिन उन्हें बहुत अच्छा महसूस होने लगा है। कहने का मतलब यह है कि माता लक्ष्मी स्वयं उनके घर में प्रवेश कर गई, अब इतने छोटे से उपाय से उन्हें इतना लाभ हो गया। दोस्तों अब कोई आकर यहां हमसे कहे कि उपाय काम नहीं करते हैं तो हमें तो इन बातों पर विश्वास बिल्कुल भी नहीं होता। दोस्तों हमने लोगों का जीवन अपनी आंखों के सामने बदलते देखा है, लाखों के कर्जे चुकता होते हुए अपनी उसे देखे हैं, जबकि उनकी कमाई के कोई विशेष साधन भी नहीं थे, बस उन्होंने कुछ उपाय करें तो बस। दोस्तों को पाए की स्थिति को आप जानिए, मेहनत करिए, आपको सही फल प्राप्त होंगे। तो अब तीन जगह आपको विशेष कार्य करनी है, दोस्तों आप ध्यान से समझना। पहला शनिदेव, हर इंसान जो इस धरती पर है, हर इंसान के नसीब का भाग्य का सही लेखा जोखा शनिदेव के पास है। अब कोई चाहे कुछ भी कहे, आप जो मेहनत कर रहे हैं उसका फल कैसा और कितना प्राप्त होगा, किसी की राशि में अधिक और किसी की राशि में कम, लेकिन शनिदेव का प्रभाव तो होता ही है। आप जब तक शनिदेव को प्रसन्न नहीं करेंगे आपके कर्मों का सही फल आपको प्राप्त नहीं होगा, और बहुत छोटा सा उपाय है दोस्तों, कुछ बहुत बड़ा मेहनत भरा उपाय नहीं है। आपको शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जलाना है, बस इतना सा कर लीजिए। शनिवार के शनिवार इस उपाय को करिए। दूसरा कि आपके मित्र पूर्वज तूने ऊर्जावान बनाना बहुत अधिक आवश्यक है। अब आपने श्राद्ध पक्ष में 15 दिन का जो श्राद्ध पक्ष है उसमें श्राद्ध कर्म करके अपने पुत्र पूर्वजों को भोजन तो दे दिया, लेकिन वर्ष भर का क्या, पूरे वर्ष भर क्या उसने से कर्मकांड से हमारे पुत्र पूर्वज ऊर्जावान रहेंगे? जी नहीं दोस्तों, हमें रोज नित्य अपने पुत्र पूर्वजों को ऊर्जावान बनाने के लिए मेहनत करनी होगी, कार्य करने होंगे, तो मेहनत कुछ खास नहीं है, बस सूर्य को अर्घ देना है। सूर्य को अर्घ देना बिल्कुल भी ना भूलें, सूर्योदय से पहले जागे और सूर्य को अर्घ्य दें, और सूर्य को जो अब आप दे रहे हैं उस जल में आप काले तिल अवश्य मिला लें, इससे आपके पितृ ऊर्जावान होते हैं। और शाम के समय घर की दक्षिण दिशा में एक गाय के घी का दीपक, यह दीपक आपके पितृ पूर्वजों को ऊर्जावान बनाएगा, शक्तिशाली बनाएगा, आपके घर की हर एक नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाएगी। तीसरा काम जो आपको करना है वह है कि आप
अपने घर की दहलीज पर यानी मुख्य दरवाजे जो है उसकी दहलीज पर बीचों बीच एक दीपक जलाए, रोज जलाए, दीप जलाए। ये दोस्तों बहुत मेहनत का कार्य नहीं है। शुद्धता देखेंगे आप कितनी आएगी, आपके ऊपर में सकारात्मकता कितनी आएगी। ये जो स्थान है यानी आपके घर का मुख्य दरवाजे की जो दहलीज है, ये स्थान आपकी कुल देवी या देवता का होता है। ये दोस्त तो समझो आपकी मुख्य दरवाजे पर ही कुल देवी देवता बैठे हुए हैं, लेकिन क्या कभी आपने उनका आदर किया, सम्मान किया? अब आपको नहीं पता कि कौन है आपके कुल देवी या देवता, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है दोस्तों। बस आपको एक दीपक वहां जला देना है, दीपक की बाती का मुख बाहर की ओर रखना है, दीपक आग जलाई है और आप देखिए कि आपके घर में कैसे कैसे चमत्कार होने शुरू हो जाते हैं, कहां कहां से आपको फायदा होगा, कैसे कैसे आपके घर में धन लक्ष्मी का वास हो जाएगा। अब माता लक्ष्मी के लिए हम तो यही कहेंगे कि विशेष विधि विधान हम अपने पिछले कई वीडियो में बता चुके हैं। इस धन का कट, धन की पोटली अपनी जेब में रखने के लिए अपने जो धन का स्थान है आपके घर में, तिजोरी वगैरह है, अलमारी बगैर उसके लिए तैयार करिए और चमत्कार देखिए। दोस्तों यदि आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो आप हमारे कहने से 7 कमलगट्टे लाकर अपने घर के पूजा घर में रख लीजिए। एक लाल कपड़े में लपेटकर उन्हें अपने घर के पूजा घर में बस रख दीजिए और आप देखिए चमत्कार कैसे कैसी होती आपके जीवन में। यह तो हो गया बाधाएं समाप्त करने का कर्म की। अब इनसे आपके जीवन में जो बाधाएं हैं वह धीरे धीरे हटने लगेंगे, समाप्त होने लगेंगे। हो सकता है कि आपके कर्मों की शक्ति प्रबल है, आपका सौभाग्य जागृत है, तू प्रभाव रातों रात भी हो जाए या फिर कुछ समय लगे, लेकिन आपको बाधाओं से मुक्ति निश्चित तौर पर प्राप्त हो जाएगी। गजलक्ष्मी योग के लिए आप क्या करेंगे, तो आप बाजार से हाथियों का एक जोड़ा खरीद कर लाई है, छोटी छोटी मूर्तियां लेकर आना है। याद रखना है मूर्ति मिट्टी की होनी चाहिए या धातु की होनी चाहिए, अन्य प्रकार के मटेरियल की मूर्ति नहीं होनी चाहिए, जैसे प्लास्टिक वगैरह है कि नहीं, मूर्ति खोखले नहीं होनी चाहिए। यदि मूर्तियां को कोकली मिल जाती है तो आप उसमें मिट्टी भी भर सकते हैं। अब आपको अपने घर की उत्तर दिशा में इन मूर्तियों को स्थापित करना है। याद रखना है कि मूर्तियों को आमने सामने रखना है, यानी इनका मुख्य एक दूसरे की तरफ होना चाहिए। बस आपको इतना सा करना है और आपके यहां जो तुलसी है उस तुलसी के पास शाम के समय दोस्तों ध्यान से सुनना है। शाम के समय एक गाय के घी का दीपक जला देना है, बस इतना सा काम करना है। आपको देखेंगे आप कितने बड़े बड़े लाभ आपको प्राप्त होते हैं, जीवन बदलने लगेगा। अब एक बात जो हम आपको बता दें यह है दोस्तों कि आपको जीवन में जो भी सफलता है प्राप्त होगी वह बहुत मेहनत करने के बाद ही प्राप्त होंगी, इस संघर्ष करने के बाद ही प्राप्त होंगे। लोग जिन्हें आसानी से सब कुछ मिल जाता होगा, लेकिन आपको सब कुछ कठिनाई से ही प्राप्त होगा, लेकिन जब एक बार आपको सफलता हाथ में आ जाएगी तो फिर आप जीवन भर उस कामयाबी का आनंद लेंगे। ऐसे में आपको ईश्वर का ध्यान करना है, भक्ति भाव में रहना है, सत्य का साथ देना है और कभी भी किसी भी हालत में किसी का हक मारने की कोशिश नहीं करना है। बस इन सब बातों का ध्यान रखिए, गरीबों को भोजन कराइए और दरवाजे से किसी को भी खाली हाथ जाने मत दीजिए। बस इन बातों का ध्यान रखिए और आपके जीवन में सब कुछ आसान हो जाएगा, आपकी हर मनोकामना पूर्ण होने लगेगी, कामयाबी आपके कदम चूमेगी तो आपके जीवन में सब कुछ अच्छा हो, आपको उन्नति और तरक्की प्राप्त हो। बस मेहनत आपको करनी होगी, यह बात आपको ध्यान रखनी होगी, आस्था विश्वास आपको बनाए रखना होगा, जीवन में आपके सब कुछ अच्छा हो। इसी कामना के साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां काली जय मां लक्ष्मी लिखना ना भूलें, माता का सीधा प्रेम और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय माता की।